भूख लग गया था तो अभी समीर लेके आया है ये मैगी। चलिए मैगी बनाते हैं। क्या डाल दी हो, इतना काला क्यों हो गया है? ले वो कढ़ाई में मैगी बना लो, सही रहेगा। मटर बना लो, लेके आओ मटर, लेके आओ। एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आया ड्यूटी से, तो एक समस्या ये हो गया कि खाना बनाना पड़ेगा रात का, और क्योंकि रूम पार्टनर एक है जो नाइट ड्यूटी करता है, तो तकरीबन वही खाना बना के जाता है रोज का। तो आज मैं आया तो सोचा थोड़ा आराम करूँगा, और तो देखा कि खाना बना हुआ नहीं है, कटिंग वटिंग करके रख दिया है बेचारे ने। खाली उसको जाएंगे हम बनाएंगे, दाल वाला होगा तो बनाएंगे, और क्या बनाएंगे वो किचन में आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी तो मैं अकेला हूँ, थोड़ी देर में साहब भाई भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनसे भी हेल्प लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो अकेले ही बना लेंगे। तो चलिए किचन में आप लोगों को दिखा। तो दोस्तों किचन में आ चुका हूँ। ये प्याज काट के रखा गया है, और ये करेला, और थोड़ा सा करेला इन्होंने फ्राई ऑलरेडी कर दिया है, और थोड़ा जो ये वाला बाकी इसको फ्राई करेंगे इस तेल में, उसके बाद हम बनाएंगे खाना। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कौन सा सब्जी बनाना है, करेले का भुजिया बनाना है। चलिए चलते हैं, और मैं सोच रहा हूँ सूखा सूखा हो जाएगा तो इस पर दाल भी बना लेंगे, दाल फ्राई। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे करेला को डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए थोड़ा, उसके बाद पकाएंगे। देख सकते हैं करेला एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, थोड़ा कुरकुरा भी हो गया है। और जिन लोगों को करेला पसंद नहीं है, आप मेरे तरीके से बना के उसको खिलाएं, यकीन मानिए उनको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब प्याज फ्राई करते हैं, इसको बनाते हैं, क्योंकि उधर दाल भी रखा हुआ है, दाल भी बनाना है, चावल भी बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। गया ये खौलता तेल में प्याज। खाना बनाते बनाते बहुत ज्यादा भूख लग गया था, तो अभी समीर लेके आया है ये मैगी। चलिए मैगी बनाते हैं, खाते हैं। अच्छे से नहीं, तुम बना देना। नहीं यार, मैं खाना बना रहा हूँ ना, तो अभी मैगी बना के खाते हैं और चलते हैं, क्योंकि अभी खाना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम है। चलिए बनाते हैं। तो देखो इस कढ़ाई में हम इधर सब्जी वब्जी बना रहे हैं, तुम वो कढ़ाई में मैगी बना लो, सही रहेगा। मटर बना लो, लेके आओ मटर, लेके आओ, जाओ। टमाटर काट दे। हाँ नहीं, वो भी तुम काटो, जल्दी आओ लेके। क्या है ना? जल्दी आओ, लेट हो जाएगा। इधर बन रहा है मैगी का मसाला। क्या डाल दी हो, इतना काला क्यों हो गया है? जल्दी ले बनाओ यार। तो दोस्तों अभी मैगी खाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम है। अभी तक सिर्फ करेला का सब्जी बना है, और इन लोग कोई देख सकते हैं कोई ने थोड़ा भी हेल्प नहीं किया। अभी चावल बनाना है, दाल बनाना है, सब कुछ बनाना बाकी है। मैगी कौन बनाया ये पूरा? मैगी बनाना कोई बनाना होता है? दो मिनट में बन जाता है। तो आधा घंटा में बाबू बनी मैगी। मेरे साथ ना इंसाफी हुआ है। चलो खाओ, लाओ चम्मच दो। इंसाफ हुआ तो अच्छी बात है ना। चलो इंसाफी होना चाहिए। लो खा लो, मेरे से मत खाओ। चलो तो मैगी वगैरह खा चुका हूँ, और इधर रहा ये करेला, ये बन चुका है। इधर रहा ये दाल, और इधर रहा ये चावल। अभी ये बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए थोड़ा देर हम चलते हैं। ये बर्तन भी पड़ा हुआ है, इतना देख सकते हैं, सबको धोना है, और अकेला ही हूँ तो सबको लिपटाता हूँ। सैफाई अंदर है, थोड़ा सा वो बात वगैरह करना है घर पर, तो चलिए इसको मैं लिपटा लेता हूँ। दोस्तों खाना बन चुका है, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ दोस्तों, मगर खाना थोड़ी देर के बाद खाएंगे, क्योंकि अभी तो आधा घंटा पहले मैगी खाया था। साहब भाई भी बोल रहे हैं इधर कि थोड़ी देर के बाद खाते हैं, आधा घंटा बाद खाएंगे खाना, तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, अब रात का खाना खाते हैं और इसको लिपटाते हैं। देख सकते हैं ये करेला चावल दाल बन चुका है अच्छे से, चलिए खाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, और जो लोग इंडिया से ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पता चला होगा इस वीडियो से कि लोग परदेश में खाना कैसे बनाते हैं, ड्यूटी कैसे करते हैं, यहाँ सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।